विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व कर चुके पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री ने सांसद स्टार खेल महाकुंभ के दौरान कबड्डी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि खेल महाकुंभ की विभिन्न प्रतियोगिताओं में युवा अब पूरा दमखम लगाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के हकदार बने एवं प्रदेश देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। नरेंद्र अत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों में सांसद स्टार खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसरों पर उमड़ रही हजारों युवाओं की भीड़ सांसद अनुराग ठाकुर की युवा शक्ति सशक्त करने के लिए सांसद स्टार खेल महाकुंभ के माध्यम से सकारात्मक पहल की सफलता को व्यंग कर रही है। उन्होंने गांव के युवा खिलाड़ी को खंड स्तर पर संस्थित क्षेत्र स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर कुल 20,000 के नगद पुरस्कार जीतने का अवसर साथ ही साथ खेल के मैदान में अपनी दक्षता श्रेष्ठता एवं प्रतिभा दिखाने वाले चुने हुए खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान सांसद अनुराग ठाकुर की अतुलनीय प्रयास है जो पहले कहीं किसी अन्य द्वारा नहीं किया गया है। इससे पहले खेल मैदान पहुंचने पर मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री साथ में प्रदेश भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल परमार का आयोजन समिति के विशाल पठानिया जिला महामंत्री अजय रिंटू जिला उपाध्यक्ष जग सिंह जिला सचिव नीरज शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने गर्म जोशी के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस मौके पर बल युवक मंडल ने गुरुकुल स्कूल की टीम को कड़े मुकाबले में हराया। युवा अपनी प्रतिभा दिखाकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के हकदार बने ऐसा सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी ने जो सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है ये अपने ही तरह का एक ऐसा खेल का आयोजन है जो शायद प्रदेश में पहली बार हो रहा है। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को सुविधाएं मुहैया करवाने की बहुत सारी बातें हुई और लगता है पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ है जब पंचायत स्तर का खिलाड़ी पंचायत का जो युवा है वो इस स्तर के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। और जैसा पहले माननीय सांसद जी ने कहा है कि युवा जो चयनित युवा होंगे जो विजेता युवा होंगे उनको नगद पुरस्कारों के अतिरिक्त जो कुछ श्रेष्ठ प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने की भी योजना है और जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बहुत बड़ी बात है और इस आयोजन को आयोजित करने के पीछे जहाँ लक्ष्य अगले ओलंपिक्स में भारत की जो पदक तालिका है उसमें बढ़ोतरी हो भारत के लिए ना केवल भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ हिमाचल के युवा भी पदक जीतें जिस तरह पूर्व में शूटर विजय जी ने ओलंपिक्स में पदक जीता हमीरपुर के ही विकास ठाकुर जी ने भारोत्तोलन में रजत पदक कांस्य पदक जीता उसी तर्ज पर अन्य युवा भी और अधिक पदकों की संख्या बढ़ाएं ऐसा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये खेल महाकुंभ शुरू किया है। मैं माननीय अनुराग जी का धन्यवाद करता हूं। वहीं आयोजन समिति जो हमारी स्थानीय आयोजन समिति है हमारे यहाँ के महामंत्री अजय रिंटू जी विशाल पठानिया जी हमारे प्रदेश के सदस्य हैं बहुत बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से इस गर्म मौसम में भी खिलाड़ियों को कोई असुविधा ना हो ऐसा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि इनकी पूरी टीम के सहयोग से पूरी टीम के कॉन्ट्रीब्यूशन से ये प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी और एक सकारात्मक माहौल पूरे संसदीय क्षेत्र में बनेगा और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ओलंपिक्स या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिमाचल का जो युवा है अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।